आतंकवाद नासूर बनके देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। मां भारती की धरा आए दिन रक्त रंजित हो जाती थी। देश के अनेक वीर होनहार लोग आतंकवाद के कारण बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए। मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कारण जो लोग ऐसी समस्याओं का जूझते हैं उनको एक बल मिला है, मानसिक रूप के अनुसार कॉन्फिडेंस बढ़ा है और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का उसमें एक एहसास हो रहा है और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा। हम 75 साल तक अंग्रेजों की दी हुई दंड संहिता में जीते रहे। हम गर्व से कहेंगे, देश को, नई पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोते पोती को कह सकेंगे गर्व से कि देश 75 साल भले दंड संहिता में जिया, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जिए। और यही सच्चा लोकतंत्र है।